सो हाय गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम अभिनेश है और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेरे इंस्टाग्राम पे आके बोल रहे थे कि मैं आपको फोटोशॉप में मोकअप बनाने का तरीका बताऊं। हालांकि इससे पहले हम लोग कस्टम मोकअप बनाए हुए हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहा हूँ। सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लो कि किस तरह से हम लोग कस्टम मोकअप बनाते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक तरीका बताने वाला हूँ और इसके आने वाले वीडियो में मैं आपको और एक तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप कस्टम फोटोशॉप में मोकअप बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। एंड दोस्तों, यहाँ पे मैं एक आपको आर्टबोर्ड दिख रहा होगा, मैं सिंपल से एक आर्टबोर्ड लेकर रखा हूँ। आपका जो भी साइज हो आप यहाँ पे आर्टबोर्ड ओपन कर लेना। मैं आपको दिखाने के लिए एक डम्मी सा आर्टबोर्ड यहाँ बना कर रखा हूँ और मैं आपको दो इमेज और दिखाता हूँ। ये दोनों मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, मैंने बनाया नहीं है ताकि समय कम लगे। अगर मैं यहाँ पे लेवल में आपको बना के दिखाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, तो मैं सोचा कि सिर्फ आपको मैं बना के दिखाता हूँ। ये लेवल मैं पहले से बना चुका हूँ, उसका भी मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप देख लेना कि किस तरह से लेवल डिजाइन किया जाता है फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में, ठीक है। हालांकि फ्रेंड्स, इन दोनों का डाउनलोड लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप जाकर उसको डाउनलोड कर लो फ्री में और प्रैक्टिस करो कि किस तरह से हम लोग कस्टम मोकअप बनाते हैं और किस तरह से हम लोग रिक्रिएट करते हैं मोकअप को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फोटोशॉप में आएंगे एंड अपना आर्टवर्क क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस वाले इमेज को सिंपली मैं ड्रैग करके अपने फोटोशॉप में ला के ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। आप इसको ओपन भी कर लोगे या आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड को डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत नहीं है, या आप इसको आप रख भी सकते हो, ठीक है। मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ बस, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे देखो, ये मोकअप यहाँ पे दिख तो रहा है बट ये इमेज है। मैं इसको खिसकाऊंगा, देखिए साथ में इसका बैकग्राउंड भी आ रहा है, ठीक है। और इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिक्रिएट करेंगे, जो बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप थोड़ा सा इस पर समय दोगे तो इसको बहुत अच्छे से रिक्रिएट कर सकते हो, आपका मोकअप बन के तैयार हो जाएगा हमेशा के लिए। बस वन क्लिक में अपना जो लेवल है इसमें फिट कर सकते हो, ठीक है। करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको इसको रिस्ट्राइज कर लेना है। मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड रिस्ट्राइज लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। रिस्ट्राइज लेयर करने के बाद क्या करना है आपको, इस लेवल का सिलेक्शन बनाना है। सिलेक्शन आप बहुत तरीके से बना सकते हो, पेंडुल से बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, क्विक सिलेक्शन टूल है इससे बना सकते हो। मैजिक वन टूल इस पर काम नहीं करेगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर है। मैजिक वन टूल उस पर काम करता है जो सेम कलर हो। हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप सीधे सेलेक्ट में आओ एंड देखो यहाँ पे ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। सिंपली हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये कुछ समय लगाएगा, ऑटोमेटिक आपका इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। हम लोग इसका सिलेक्शन क्रिएट कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कंट्रोल जे बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसका एक डुप्लीकेट लेयर हमारा पीएनजी में तैयार हो जाएगा। अब देखो मैं इसको हाइड करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक पीएनजी लेयर हमारा तैयार हो चुका है और यही हमारा मेन पार्ट है हमारे मोकअप का, ठीक है। क्या करते हैं, हम इसको विजिबिलिटी इसका ऑफ ऑन कर लेते हैं, ऑन या ऑफ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। अब क्या करना है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सही से कर लेते हो तो आपको मोकअप 100% के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। करना क्या आपको है, सिंपली एक रेक्टेंगल लेना है एंड इसके बराबर में एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है कुछ इस तरह से। आप थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा भी रहेगा तो कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा, बट आप कोशिश करो कि इसके नज़दीक नियर बाई में आप अपना रेक्टेंगल क्रिएट करो, ठीक है। अब बात आती है फ्रेंड्स, इसमें कलर कौन सा फिल करें, तो आप इसमें कलर कोई भी फिल कर सकते हो, ये बिल्कुल दिखेगा नहीं, ठीक है। ये हमको बस जो हमारा लेवल है उस लेवल को इस कलर से हम लोग को मैनिपुलेट करना है। किस तरह से करेंगे अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं ब्लैक भी रख सकता हूँ बट मैं कोई और कलर रख लेता हूँ, यहाँ से ऐसा कलर रख लेते हैं हम लोग सिंपली, ओके। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिस्ट्राइज करेंगे पहले, ठीक है। ये देखिए हमारा लेयर जो रिस्ट्राइज हो चुका है, अब इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिपिंग मास्क करते हैं, ठीक है। सिंपली राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो यहाँ पे हमारा ये मोकअप तैयार हो चुका है, बट फ्रेंड्स अभी आप देखोगे इसको तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि इसमें हम लोग एक चीज़ मिस कर दिए हैं, जो इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पाओगे, क्लिक करोगे एंड मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक कस्टम मोकअप आ चुका है। अब बारी आती है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग लेवल कैसे लगाएंगे, ठीक है। हमने मोकअप तो बना लिए हैं बट इसमें हम लोग बार बारी से लेवल लगाना होगा, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये एक नया विंडो हमारा ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा लेबल था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, ये जो हमारा लेबल है इसको मैं सिंपली ड्रैग करता हूँ एंड यहाँ पर लाके इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा लेबल इसमें आ गया है। अब आपको क्या करना है, इस लेबल को इसके अंदर फिट करना है, ठीक है, इस तरह से, ताकि ये पूरा हमारा जो रेक्टेंगल है उसको कवर कर ले, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ से कट करना है, या फिर कट भी कर सकते हो, फाइल में जाके सेव भी कर सकते हो। यहाँ से कट भी करोगे तो सेव करने का ऑप्शन आएगा, एंड या तो आप यहाँ से डायरेक्टली सेव कर लो, सेव कर लोगे और अपने मॉकअप में आप आओगे तो आपका मॉकअप यहाँ पर तैयार हो गया रहेगा। बस थोड़ी बहुत आपको और इसमें एडिटिंग बाकी रहेगी। मैं सिंपली इसमें आता हूँ एंड देखो यहाँ पे हमारा मॉकअप बन के रेडी हो गया। बट फ्रेंड्स ये देखो हमारा मॉकअप ये है, ठीक है, ये नहीं है, देखो ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज है हमारा मॉकअप, ये वाला है, देखो ये हमारा मॉकअप है। मैं इसलिए इस बैकग्राउंड को रखा था ताकि इसमें हमारा जो ये शैडो है वो दिख रहा था। आप इसमें शैडो भी क्रिएट कर सकते हो। मैं शैडो बनाने के लिए बहुत सारा टेक्निक आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से आप शैडो क्रिएट कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। सो इतना हो गया फ्रेंड्स, अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा हम लोग कलर करेक्शन करना होगा, ठीक है। तो हम लोग आएंगे अपने इस मॉकअप को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड आएंगे अपने कलर सिलेक्शन में या कलर बैलेंस में आ सकते हो, या फिर ह्यू सिचुएशन भी क्लिक कर सकते हो, या फिर आप ब्राइटनेस कंट्रास्ट इसका मैनेज कर सकते हो। तो मैं सिंपली ब्राइटनेस कंट्रास्ट इसका पहले देखता हूँ कि कितना इसको हद तक हम लोग सही कर सकते हैं। इसको पहले क्लिक मास्क कर लेते हैं एंड इसका जो कंट्रास्ट है उसको हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, एंड जो इसको ब्राइटनेस है वो थोड़ा कम करेंगे, कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट करो कि आपका जो लेवल का जो डिज़ाइन है वो कैसे निकल के आ रहा है, कैसे अच्छा लग रहा है, ये आपको तय करना है कि आपका डिज़ाइन कैसे बन रहा है, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। ना फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मॉकअप बन चुका है। अब इसमें आप जो भी चाहो वो लेवल इम्पोर्ट कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे आना है, डबल क्लिक करना है, ये लेवल हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा एंड इसको हाइड कर देना है। दूसरा लेवल को इसमें इम्पोर्ट करके पूरे इसका रेक्टेंगल को उसको कवर करवा लेना है। अब अपने अनुसार जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ये मैं ऐसे ही रैंडमली साइज लेकर बनाया हूँ। अगर आपका जो प्रोडक्ट का साइज है यानी जो आपका लेवल का साइज है उस साइज में आप अपना रेक्टेंगल क्रिएट करोगे एंड नाउ उसी साइज में आप अपना लेवल भी बनाओगे ताकि आपका लेवल का कोई लेटर या फिर कोई आपका ऑब्जेक्ट कटे नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स जब हमारा लेवल मॉकअप में जाएगा तो उसका जो शेप होता है वो थोड़ा सा कर्व होता है, तो उससे हमारा जो लेवल पर डिज़ाइन है वो कट सकता है। इस बात का आप ख्याल रखें। और फ्रेंड्स प्रैक्टिस के लिए मैं दोनों का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके बता सकते हो, या फिर कमेंट में बता सकते हो, या मेरे फेसबुक पे भी बता सकते हो। मेरे फेसबुक का इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एंड मैं कमेंट में भी कभी कभी पिन कर देता हूँ, तो वहाँ से जाकर मुझे आप फॉलो भी कर लो एंड फाइनली चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को देख सको। मैं मिलता हूँ कुछ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।